हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश आजाद में। आज की सीरीज में दोस्तों हम लोग, मैं आपके सामने, जैसा आपको मालूम होगा कि मैं रोज़ाना आपके लिए नई नई जानकारी लेकर आता रहता हूँ, आज की सीरीज में आपको कुछ नए टॉपिक बताने वाला हूँ। मुझसे मेरे एक ऐसे सब्सक्राइबर ने कहा था कि सर एक ऐसी वीडियोज़ बना दीजिए जिस पर हमारा पासपोर्ट डॉक्यूमेंट हो, और अलग अलग से कमेंट भी आया था हमने जब पिछले बार पासपोर्ट के ऊपर बनाया था। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं खास तौर से ये बताने वाला हूँ कि आपका जो है पासपोर्ट में क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है और आप क्या क्या जो है डॉक्यूमेंट उसमें चाहिए होते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए नए आओ तो हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रोज़ाना आपके लिए नई नई जानकारी लेकर आता रहता हूँ। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर ज़रूर करिए। तो चलिए दोस्तों हमारी वीडियो बनिए, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं और आपको बताना शुरू करते हैं कि आप कैसे सारी चीज़ें उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, पासपोर्ट ऑफिस के अंदर क्या होता है, आपका पुलिस वेरिफिकेशन कैसे होता है, CID चेकअप कैसे होता है। अब बाकी तो दोस्त मैं आपको बता दूं कि पासपोर्ट के अंदर सबसे पहले आपको क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है। सबसे पहला तो होता है कि आपका जो है आधार कार्ड हो, जो आपका जो है जहाँ का एड्रेस प्रूफ के लिए आपका आधार कार्ड रिक्वायर्ड होता है। और दूसरा जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है, मैं आपको शॉर्ट कट में बता रहा हूँ, जो मतलब आपका ज़्यादा टाइम भी ना लगे इसमें, आपका दूसरा जो रिक्वायर्ड होता है वो पैन कार्ड होता है। आप जो है अगर आपके पास पैन कार्ड है और एक आधार कार्ड है, और तीसरा जो डॉक्यूमेंट होता है दोस्तों जिससे आप बहुत जल्दी कर सकते हैं और इसका जो कानून बदल रहा है, आपके पास एक वोटर ID हो, और तीसरा आपके पास एक बैंक पासबुक भी हो, और आपके पास जो है 10 पास मार्कशीट भी हो, हाई स्कूल मार्कशीट, ये सारी चीज़ें अगर आपके पास है तो आप जो है दोस्तों पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और इससे आपको बहुत बेहतर बहुत बेस्ट रिजल्ट आएगा। और इसमें क्या क्या होता है दोस्तों, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, और जिससे मैंने बनवाया था, मैं अपना बता रहा हूँ, मेरा आधार कार्ड और पैन कार्ड और बैंक पासबुक और बाकी सारी चीज़ें, हाई स्कूल मार्कशीट, ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड हुई थी। अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो आप दोस्तों अपने पासपोर्ट में बना सकते हैं, और ये सारी जानकारी थी दोस्तों जो आप पासपोर्ट में लगा सकते हैं, बनवा सकते हैं। और अगर आपको और भी सारी जानकारी लेना है कि पासपोर्ट ऑफिस के अंदर क्या क्या होता है, पुलिस वेरिफिकेशन कैसे होता है, CID चेकअप कैसे होता है, और बाकी अप्लाई से लेकर लास्ट तक कैसे सारी चीज़ें देनी होती है, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं इसके लिए एक दूसरा वीडियो बना दूंगा।